एक्सीज होने स्टार्ट हो रही। गाड़ी सीधा नीचे जाएगी। नहीं ट्राई करता हूँ मैं, रुको। Hey guys, welcome back to Explore on Wheel. मेरा नाम अमित, welcome back to the channel. We are live from Gaza. White winter स्पीति करने आए थे भाई, और सपना पूरा हो गया है। ये देखो स्नो, कितनी तगड़ी स्नो फॉल हुई है। और अभी जा रहे हैं हम लोग गाड़ियों की तरफ और आपको गाड़ियाँ दिखाते हैं। लेकिन भाई रात को दो दो मतलब शूज़ पूरे अंदर चले जा रहे थे मेरे, तो इतनी स्नो फॉल हो रखी है। लेकिन मेरे आने से मोस्टली पहले ही हो चुकी थी ज़्यादातर स्नो, और हमारे आने के बाद तो थोड़ी बहुत ही हुई है, तो गाड़ी पे कुछ ज़्यादा बचा नहीं हुआ स्नो का। और यहाँ पे आया हुआ जी गोट का एक कॉन्वॉय, जिसके अंदर है 70 गाड़ियाँ भाई। इधर खड़ी है अपनी अल्फा, तो हमने इसका नामकरण कर दिया है भाई, जिसको नहीं पता मैंने इसका नामकरण करा है अल्फा। और आपको दिखाएंगे अल्फा क्यों, जब इसके ऊपर स्टिकरिंग वगैरह होगी तब आप लोगों को समझ में आएगा। बाकी ये देखिए भाई साहब, और स्नो देखो आप कितना मेरा अंदर पैर जा रहा पूरा। तो गाड़ी के ऊपर ज़्यादा सेटल नहीं हो पाई थी, क्योंकि मैं चल ही रहा था तो उड़ गई लगभग। और इधर वाली गाड़ियों पर देखो आप कितनी सेटल हो रखी है। ये गाड़ी भी मेरे साथ ही आई थी एक घंटा पहले, तो थोड़ी सी कम सेटल हुई है। लेकिन भाई साहब हवा देखो कितनी हवा थी, और मिरर के ऊपर। ओ भाई भाई भाई, ओए। तो अभी ये बिल्कुल जम गया नीचे, तो उतारना पड़ेगा। और ये देखो नीचे पूरे उतर गया। ओए भाई बहुत ठंडी है भाई, रहने दे। ये देख लो क्या कर रहा है भाई ने, सोच रहे सारे उनके कपड़े यही पहन के जाने थे भाई मेरे को वापस। ये देखो बिना उनके कपड़ों के, है ना, उनके कपड़ों की नीड ही नहीं है। और भाई बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, सोच रहा हूँ। और भाई मेरे को यही कपड़े पहन के जाने हैं घर। तो भाई लोग पूरा गीला हो गया हूँ, अंदर तक बर्फ चली गई है। अब कपड़े गाड़ी से दूसरे निकालने पड़ेंगे। पहले प्लान था कि नाना तो है नहीं है, और यही कपड़े पहनेंगे और मुँह हाथ धोएंगे निकल जाएंगे। क्योंकि सीन ऐसा है भाई कि सब कुछ बंद हो चुका है, ना तो हम लोग लांगजा जा सकते हैं, ना हम चीचम जा सकते हैं, ना कॉमिक ना हिक्किम, क्योंकि स्नोफॉल इतना हुआ है, बहुत डेंजरस है, कुछ नहीं दिखेगा और गाड़ियाँ फंस सकती है भाई। तो अभी प्लान ऐसा है कि हम लोग की मोनेस्ट्री जाएंगे, वहाँ से सिचुएशन देखेंगे चीचम ब्रिज जाने की, अगर जा पाए तो ठीक है, नहीं तो की मोनेस्ट्री से फिर हम लोग वापस अपना हेड टूवर्ड होम हो जाएंगे। क्योंकि अभी तो देखो स्नोफॉल रुक चुका है, लेकिन दोबारा हुआ ना तो यहाँ पे फंसने के चांसेस हो जाएंगे। और मेरे को घर भी रिटर्न करना है, फंक्शन है कुछ। तो व्यू देखो भाई, मैं रुका हुआ था सामिला होम स्टे, बाकी यहाँ पे बहुत सारे होम स्टे हैं, प्रेरणा है, और इधर बहुत सारे हैं। मतलब ये तो बिल्कुल पुलिस स्टेशन के पीछे की साइड में है, तो आप आ सकते हैं, ठीक है। लगभग हर होम स्टे का एक ही चार्ज रहता है। तो जी भाई साहब देखो व्यू क्या ज़बरदस्त व्यू है, उधर सन निकल चुका है हमारा। प्रेडिक्शन यही था कि ट्यूसडे मैक्स स्नोफॉल होगी, और आज ट्यूसडे ही है, और सन निकलते हुए। और भाई पहाड़ देखो क्या ज़बरदस्त लग रहे हैं, और ज़बरदस्त स्नोफॉल है। और उधर वाले पहाड़ है ना भाई, जो की मोनेस्ट्री लांगजा वाले, वो देखो भाई उन पर तो तगड़ी स्नोफॉल है। पीछे वालों पर जो आस पास थे ना, इन पर इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन उधर वालों पे बहुत तगड़ी स्नोफॉल हुई है भाई। जी आज का हमारा स्टे ये 1000 रुपये पर पर्सन पड़ा था हमें, तो वैसे तो 4 पर्सन आ जाते थे, बट हमें 2 रूम दिए हुए थे क्योंकि खाली पड़े हुए थे, तो ये 4 पर्सन का होता है। तो 1000 रुपये पर पर्सन इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट एंड डिनर, तो ठीक है यार, ओके ओके है, क्योंकि इससे कम ताज़ा में ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता, मिल जाएगा 50-100 रुपये कम, लेकिन बात वही पड़ती है कि ढूंढना मुश्किल होता है। तो गाइस मैं रेडी हो चुका हूँ, तो अभी निकलते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर बढ़ते हैं की मोनेस्ट्री की तरफ। सिंपल वेज पराठा, और भाई लोग खा चुके हैं, मैं थोड़ा फ्रेश होने चला गया था, तो फटाफट मैं भी निपटाता हूँ और निकलते हैं फिर यहाँ से। हम लोग निकल चुके हैं होम स्टे से, टाइम हो रहा है 10:30, और मौसम देखो आप लोग ख़राब हो गया दोबारा से, और पूरे बादल आ गए हैं, स्नोफॉल के 100% चांसेस लग रहे हैं मेरे को। तो यार कोशिश करते हैं निकलने की वापस, और गाड़ियों पे स्नो चेन लगाता हूँ एक तो, और फिर निकलेंगे। तो भाई लोग
हमारे बीच एक एक्सीजन स्टार्ट हो रही। ये देखो तो डीजल जम गया। ये है हमारी पेट्रोल कार और मारते हैं पहली स्लिप। तो जी फर्स्ट क्लिक में स्टार्ट हो गई गाड़ी। ये फ़ायदा होता है भाई पेट्रोल गाड़ी का। तो जी अभी हम लोग ना स्नो चेन ना लगाने की बजाय थोड़ी हवा कम कर रहे हैं, फिर देखते हैं स्नो चेन की नहीं पड़ेगी तो रास्ते में लगा लेंगे, अभी वैसे कोई लग नहीं रहा। तो भाई लोग फिर से स्नो स्टॉर्म आ गया और पूरा भाई कवर हो गया पूरा। तो फटाफट निकलते हैं भाई। और अभी तो हवा मैंने भी थोड़ी थोड़ी कम कर दी है, 4-4, 5-5 PSI, क्योंकि मेरे में तो 28 ही थी तो 22-21 बची होगी। और निकलते हैं की मोनेस्ट्री की तरफ। तो जी ये GOT टीम की जितनी भी गाड़ियां ना डीजल वाली भाई सब स्टार्ट नहीं हो रही, सब पे गर्म पानी डाल डाल के स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं की मोनेस्ट्री की तरफ और फिर हम लोग ट्राई करेंगे चीचम ब्रिज जाने की। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये GOT टीम आई हुई है, इनकी गाड़ियाँ हैं भाई 80। ये लोग बना रहे हैं लिम्का वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड, मतलब रिकॉर्ड बना रहे हैं लिम्का रिकॉर्ड। और 80 गाड़ियों का कॉन्वॉय ये जा रहा है अभी की मोनेस्ट्री। आप सोचो अगर एक गाड़ी के बीच में भी 500 मीटर का फ़र्क है तो भाई 40 किलोमीटर लंबी लाइन होगी 80 गाड़ियों पर। तो बहुत गंदे वाला हाल होने वाला है। यहाँ से की मोनेस्ट्री है केवल 15 किलोमीटर और 80 गाड़ियां लाइन में लगेगी तो आप सोचो क्या हाल होगा। तो भाई यहाँ पे स्नो हटाने का काम चल रहा है। और भाई यहाँ पे था मैं कल स्लाइड हुआ था, बहुत गंदे वाला यहाँ पे स्नो जमी हुई थी और तो सीधा भाई दीवार पे ठुकते ठुकते गाड़ी बची थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है ना तो लास्ट वाली वीडियो देख लेना भाई, आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। बड़ी मुश्किल से गाड़ी रोकी थी। तो ऐसे ऐसे इंसिडेंट होते हैं भाई जब स्नो गिरती है। और यही चीज़ मैं सीखने आया हूँ क्योंकि भाई मेरी भी जिमनी पे फर्स्ट स्नो ड्राइव है और इतना ज़्यादा मेरे को भी एक्सपीरियंस नहीं है। तो विद टाइम मैं सीख जाऊँगा ये चीज़ें, फिर आप लोगों के साथ शेयर करना स्टार्ट करूँगा। तो ये आ गया जी हमारा पेट्रोल पम्प और कल यहाँ पे गाड़ी स्लाइड मार गई जिप्सी, जिसकी वजह से मैं यहाँ से जा नहीं पाया था। तो जी ये देखो 4x4 का हाल, फॉर्चुनर, क्योंकि वहाँ पर मोमेंटम टूटा हुआ था, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई थी पेट्रोल पंप से जैसे ही निकलते हैं हम लोग ना। तो अब खड़ी गाड़ी चढ़ नहीं पा रही है तो वही अब बैक लेके ही चढ़ाना पड़ेगा। जी हमने 4x4L एंगेज कर लिया है और ये गाड़ी है भाई नेपाल की, गोट में आई है नेपाल से। तो गाड़ी स्किड हो रही है भाई हल्की सी, ऑल्दो डिफ्लेटेड हैं टायर थोड़े से, लेकिन पता नहीं अब चलते हैं। 4H लगा लिया वापस से और प्यार प्यार से चढ़ते हैं, कहीं भी लगेगा रिटर्न आ जाएंगे, नहीं तो स्नो चेन लगा लेंगे। तो यहाँ से देखो गाड़ियाँ गई हुई हैं लेकिन भाई नीचे बहुत गंदे वाली ब्लैक आइस है और मेरी गाड़ी ना हल्की हल्की स्किड मार रही है पीछे से जैसे जैसे मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ। अभी तो कोशिश है कि बिना स्नो चेन ही चलते हैं, लेकिन लगेगा कि कहीं पर नहीं भाई अब रिस्क हो रहा है तो स्नो चेन लगा लेंगे पीछे के टायरों में। तो जो सबसे ख़तरनाक चीज़ होती है ना विंटर में, अभी स्नो है मान लो मेरे पास ग्रिप ख़त्म हो गई, इधर कोई सपोर्ट नहीं है भाई, गाड़ी सीधा नीचे जाएगी। जो पिछली वीडियो में हुआ था ना वहाँ तो चलो दीवार थी रुक गई किसी तरह, बट यहाँ तो कुछ भी नहीं है भाई, कैसे रुकेगी। तो ये चीज़ मेन है कि भाई स्नो चेन इसलिए ज़रूरी है। अभी मैं सोच रहा हूँ थोड़ा आगे जाके, क्योंकि बर्फ़ है ना बढ़ गई है इधर, और तो अभी इतना स्किड तो नहीं हो रही गाड़ी, अभी तो डाउन हिल है, अब हिल जाते हुए देखते हैं कितनी स्किड करेगी। अगर लगा भाई स्नो चेन लगा लेंगे अपन, अपने को कोई शर्म नहीं है इस चीज़ में, रिस्क नहीं लेना 1% भी। और क्योंकि देखो भाई रिस्क लिया और यहाँ पे हादसा कब हो गया बिल्कुल नहीं पता लगेगा, चाहे आप कितनी यहाँ पे 4x2 में ले जाओ, लेकिन जब रिस्क
होगा ना जब गलती होनी होगी, फिर आपके पास संभलने का टाइम नहीं होगा। उस टाइम के लिए ना भाई हमें चाहिए। देखो अभी जैसे इधर से मेरे को दिख रही है एक गाड़ी हल्के से उधर गई हुई है, तो अब देखो नीचे खाई है भाई। हमारा लोसर के दो रास्ते जाते हैं, एक वाया की मोनेस्ट्री चिचम ब्रिज और दूसरे वाला है जी ये पुल जो बारी बार, तो बारी बार चला जाता है लोसर को। अभी हम लोग सीधा जा रहे हैं की मोनेस्ट्री, 10 किलोमीटर है यहाँ से, तो आई थिंक पूरा अपील है। मैं वापस से वही 4H में शिफ्ट करने वाला हूँ, क्योंकि वैसे तो गाड़ी सही चल रही है अभी तक, तो ट्रैक्शन का कोई प्रॉब्लम आ नहीं रही है मेरे को। तो भाई लोग फिर से आ गया है जी स्नो स्टॉर्म, और हवा देखो आप बिल्कुल काला काला हो गया है, और ऊपर से पूरी बर्फ़ आ रही है सीधी विंडशील्ड पे ना। और ना इतनी देर से ना स्नो में देख देख के ना कलर ब्लाइंड लेंस ही हो रही है, वाइट वाइट से सब ना, और रोड बहुत मतलब ध्यान से देखना पड़ रहा है। कोशिश कर रहा हूँ मैं मेरा आँखें ना कंटिन्यूस मैं रोड पे ना बना के रखूँ, उससे क्या होता है ना आँखों में एक इफेक्ट होता है, पता नहीं मेरे को कौन सा इफेक्ट होता है याद नहीं आ रहा अभी, उससे आपको ना रोड दिखना बंद हो जाता है क्योंकि सारा वाइट वाइट है ना चारों तरफ। तो इसलिए बोला भी जाता है कि कुछ मोनोक्रोमेटिक वो लाने के लिए सनग्लासेस। तो जी अभी हम एक थार मिली थी, तो भाई कह रहे थे पाजी थे तो बोल रहे हैं आगे ये गांव आ रहा है ना जो इसके आगे बहुत ज़्यादा स्नो है, और मतलब एक तो हवा बहुत ज़्यादा चल रही है वही सेम पिन वैली टाइप पूरा स्नो स्ट्रोम आ गया है, और क्या कहते हैं कवर भी बहुत ज़्यादा है स्नो का रोड के ऊपर ना। तो देखते हैं गांव में रुकेंगे स्नो चेन लगाएंगे, और मेरे को तो नहीं लग रहा भाई आज कोई चिचम ब्रिज तक गया होगा, देखना पड़ेगा भाई। ये तो बड़ा मामला जो है थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा अगर ये इतनी दूर आने के बाद हम लोग वापस जा रहेंगे। अब ये पूरा डाउन हिल है बड़े प्यार प्यार से। तो जी हम लोग आ गए हैं जी की के पास, और यहाँ पे दिखते जी सबसे ज़्यादा स्नो लैपर्ड्स, और भाई स्नो जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है भाई, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं समझ नहीं आ रहा कितनी रिकॉर्डिंग करूँ आप लोगों के लिए। और गाड़ी बहुत अभी स्किड करनी है क्योंकि नीचे पूरा ना आइस जमा हुआ है, तो देखते हैं अभी आगे रुके हुए हैं भाई लोग, तो सोचता हूँ मैं स्नो चेन लगा ही लूँ। ये देखो जो स्पीड है मेरी केवल 25 है। फोर्ड की एंडेवर है, स्नो चेन लगाई हुई है, बंदे ने मस जा रहा है, हम लोग भी सोच रहे लगा ले यहाँ पे। और ये देखो भाई की मोनेस्ट्री का व्यू देखो आप, क्या जबरदस्त व्यू आ रहा है, और ये इस लेवल में देखो। तो जी फाइनली हम लोग पहुँच गए जी की मोनेस्ट्री, और भाई साहब व्यू दिखाता हूँ आपको की मोनेस्ट्री का। देखो अंदर जाने का सीन ये होता है कि अंदर आप कुछ वीडियो वगैरह नहीं बना सकते, हम लोग कोशिश करते हैं वहाँ जाने की, बट अंदर का कुछ मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाऊँगा, लेकिन आप बाहर से तो देख लो भाई व्यू, क्योंकि मैं पहले भी गया हुआ हूँ मोनेस्ट्री, तो मैं भी जाऊँ ना जाऊँ, लेकिन जो मेन थी हमारी वो थी स्नो ड्राइव। अब आप और जी आँखें नहीं खुल रही बिल्कुल, चश्मा लगा ले रहा हूँ ना कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि सब वाइट वाइट है और रोशनी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे ना। तो चलिए आप लोग ये व्यू का एंजॉय करिए भाई, और हम लोग निकलते हैं आगे की तरफ।